सावन माह के चलते कांवड़ यात्रियों के हित को देखते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईवे पर चल रहे मांसाहार और शाकाहार होटल और ढाबों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर पुनः इन ढाबे और होटलों को खोलने की मांगों के साथ अपनी अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। सपाइयों का कहना है कि सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा की पवित्रता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त उत्तर प्रदेश में सावन माह के दौरान मांसाहार भोजन की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। महानगर में 7 जुलाई से 17 जुलाई के बीच दिल्ली रोड, रामपुर रोड तथा कांट रोड पर ऑटो रिक्शा, सिटी बस का संचालन भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे होटल संचालकों और प्रतिबंध वाहन चालकों को अपने परिवार के यापन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सपाइयों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सावन माह के दौरान ढाबा और होटल संचालकों को शाकाहारी भोजन बेचने की छूट प्रदान की जाए, ताकि उन्हें अपना जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। साथ ही सपाइयों ने मांग की थी कि स्कूल वाहनों, एम्बुलेंस तथा मरीज, दिव्यांगों को लाने वाले वाहनों को संचालन में छूट प्रदान की जाए, ताकि उन्हें आवागमन में परेशानियों का सामना न करना पड़े। आज हम सब समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे महानगर पूर्व महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू जी और सारी टीम हमारी जिला अध्यक्ष जी से मिले हैं कि 2 महीने के लिए उन्होंने जो ढाबे को सबको बंद करने के लिए कहा है कि उसमें मांसाहारी भोजन बनाया जाए, सावन को देखते हुए उसमें उसकी बिक्री ना करी जाए। तो हमने मांग रखी है कि जो लेबर का खर्चा है, जो बिजली का है और जो उनके परिवार का मामला है गरीबों के, तो उनको देखते हुए वहाँ मांसाहारी ना होके शाकाहारी भोजन भेजने की अनुमति दी जाए। और साथ ही जो कार्ट रोड पे बंद करने का ऐलान किया है, वहाँ छात्र छात्राओं को बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा, उसको देखते हुए भी छात्र छात्राओं के लिए जो टेम्पू है, जो थ्री व्हीलर है, जो बंद करने के लिए कहा गया है, उसको जाने दिया जाए, जिससे कि किसी को कोई परेशानी का सामना ना हो। मरीजों के लिए एम्बुलेंस है, मरीजों के लिए गाड़ी भी जाती है, थ्री व्हीलर भी जाते हैं। तो उन सब समस्याओं को देखते हुए आज समाजवादी पार्टी, क्योंकि गरीबों का ध्यान रखती है, गरीबों का जो है तमाम लोगों की परेशानी को देखते हुए आज हमने डीएम साहब से मांग की है। देखिए, आज हमने सावन माह में जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा होटल और ढाबे बंद कराए जा रहे हैं, उसको लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि जो मांसाहारी भोजन बेचते हैं होटल मालिक, वो शाकाहारी भोजन बेचने के लिए अनुमति चाहते हैं, क्योंकि दो महीने का सावन है, बिजली का बिल है, दुकान का किराया है और उसके वहाँ जो होटल पे 4-5 लोग 6 लोग कहीं 10 लोग काम करते हैं, उनका जीवन यापन का मामला है। इन चीज़ों को देखते हुए हमने मांग की है डीएम साहब से कि अगर वो शाकाहारी भोजन बेचना चाहता है अपने होटल पर, तो उसे शाकाहारी भोजन बेचने की अनुमति प्रदान कर दी जाए, जिससे उसका जीवन यापन चलता रहे। दूसरी मांग हमारी यह है कि 7 से 17 तक कांट रोड बिल्कुल बंद कर दिया गया है, तो हमारी मांग है कि जो स्कूली छात्र छात्राएँ हैं उनकी गाड़ियाँ जो हैं गुजरने दी जाएँ, और जो दिव्यांग हैं उनकी गाड़ी गुजरने दी जाए, और जो मरीज़ हैं उनको ना रोका जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने होटल और ढाबा मालिकों की मांग डीएम साहब के सामने रखी है।